एक महीने के बाद में आया गड़ावर साल लगा ब्लॉग में फाइनली आया है ये बंदा टाइम पे मिला है किक भी नहीं चल रही है और स्टार्टर भी नहीं चल रहा है वो बंदे ने ना इंटरेस्ट लिया और वो गाड़ी को ना गाड़ी नहीं बेच रहा भाई मैं तू हार माना हुआ इंसान है 2010 में धंधा चकना नमस्ते नमस्कार सस्त्री अकाल जय सेवालाल जय श्री राम व्हाट्सअप लोल पीपल आप कैसे हो एकदम मजे में रहो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यशवंत चौहान व्लॉग। तो दोस्तों आज है संडे फन डे और आज मैं जा रहा हूँ कड़ाव। कड़ाव में मेरे दोस्त का फार्म हाउस है तो लास्ट महीने में ही उसने फार्म हाउस का ओपनिंग किया है। उस टाइम पे मैं जा नहीं पाया तो एक महीने का टाइम हो गया क्योंकि मेरा शूट चल रहे थे इसलिए। तो आज मैं फ्री हूँ तो कल उसका कॉल आया था कि भाई तू आ जा तो मैं बोला कि कल मैं फ्री हूँ तो कल ही आता हूँ। तो आज जा रहे हैं फार्म हाउस का शूट करने में। दो महीने से ना शूट चढ़ रहे थे कहीं बाहर नहीं जाने पाया मैं तो आज जाके फार्म हाउस में चिल मारते हैं और फार्म हाउस का डिटेल में आपको रिव्यू देंगे और कॉन्टैक्ट नंबर वो सब शेयर करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं आगे मिलते हैं ये तो सांग अर्जुन जा फार्म हाउसला आज चल असं जायचं आपल्याला चिल मारा जाय मजा येणार आहे। आता आम्ही दोघं आहे फुला आंघोळ बिंगोळ करायचा प्लॅन आहे मस्त चिल मारून यायचं तिकडे असं काय नाहीये दुपारपर्यंत यायचं आपण तुम्ही तरी कुठल्या गडावर चाललाय गडावर चाललाय आता कसं खूप दिवसांनी भेटला ना रोशन तर थोडा त्याला फिरून आणतो एक पार्टी येतो त्याला येतो का सांग ठीक आहे ठीक आहे तुझी मॅच असेल बाबा मॅच आहे ना मॅच बाबा ठीक आहे ठीक आहे चालेल जाऊन आणि रोशनला पण आरामात घेऊन येतो हा ठीक आहे ठीक आहे दो महीने के बाद व्लॉग में फाइनली आया है रोशन था कि ना तो इतना दिन से थोड़ा बिजी था तो गाइस अभी मैं इसको थोड़ा लेक्चर दिया है। तो गाइस अभी हम रुके हैं मुरगौर रोड पे हम जा रहे हैं कड़ाव अपना दोस्त का फार्म हाउस है उसका आज वीडियो शूट करने जा रहे हैं। रास्ते में हमको नींबू चिकन भी आजू बाजू में गाड़ियों का आवाज बहुत ही आ रहा है तो रोशन बोला कि एक नंबर है नींबू चिकन जी नींबू पानी का अपग्रेडेड आइटम है ऐसा उसका बोलना है। तो अभी हम रुके हैं लिंबू चिकन जी पीने के लिए तो दिखाओ भाई मैं भी टेस्ट करता हूँ देखता हूँ दो महीने से रोशन है ना मेरे को ना फंसा रहा है बोलता है मैं डांस सिखाने जा रहा हूँ लेकिन इसका डांस क्या अभी तक खत्म नहीं हुआ तो आज इसको मैं फाइनली पकड़ के लाया है। जब भी रहेगा तब टायर पंचर ये पंचर वो पंचर तो दोस्तों आज का दिन पूरा वाट लग गया है। ये जो रोशन है ना पनौती रोशन उसकी वजह से पूरा वाट लग गया है। अभी आके कुछ भी चिल्लाएगा शोरूम वाले ने रुक रहे थोड़ा रुक रहे शोरूम वाले ने 6 महीने पहले ये गाड़ी बोला कि ये यूज मत करो ये एक्सपायर हो गई कुछ भी। तो अभी हम आए हैं करजत में एक बंदा मुझे मिला है रास्ते में तो भाई आजा भाई इधर थोड़ा ये बंदा टाइम पे मिला है आधे रास्ते में भाई वो हमको धक्का मार के सब टोचर वीचर करके लाया इधर तक। दो गैरेज में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ गाड़ी नहीं बोला बन ही नहीं सकता है तो अभी तीसरा गैरेज में हम आए पीछे गाड़ी का काम चल रहा है और अर्जुन ने फार्म हाउस पे उसको बोला तो आ जा और आप उनको गाड़ी लेके जाना है घर पे तो लोग आएंगे आधे घंटे में तो तब तक गाड़ी खोल के देखेंगे पूरा काम कराएंगे तब तक बनी तो बनी। 6 महीने पहले शोरूम वाले ने बोला था कि ये गाड़ी आगे ज़्यादा चलाओगे तो प्रॉब्लम आएगी करके। अरे लेकिन वैसा नहीं है गाड़ी का ना बहुत सारा काम है और गाड़ी बहुत ही पुरानी हो चुकी है और स्क्रैप में डालो करके एक्सेस गाड़ी है ना एक्सेस गाड़ी लो ही मत भाई मैं तो सभी को रिकमेंड करता हूँ कि वो गाड़ी लो ही मत। हाँ रिकमेंड नहीं करता हूँ मैं कि वो गाड़ी लो ही मत क्योंकि ना मेरे पास है ना मेरे दोस्त के पास भी है दो चार लोगों के पास है गाड़ी स्टार्टर का बहुत ही इशू है
और ये गाड़ी का है ना बाकी सब ठीक है, और ये गाड़ी ना मैंने लिया तब से ना स्टार्टर का बहुत ही इशू है, और अभी भी वही इशू है स्टार्टर का ही, मतलब परेशान हो चुका हूँ मैं स्टार्टर का, हर महीने में काम कर रहा था फिर से वही। अभी तो किक भी चला गया, थ्रेड भी चला गया, बहुत ही इशू हो गया गाड़ी का। गाड़ी में बेच रहा हूँ, है क्या देखो भाई लेने वाला। तो आज का दिन सोचा था कि जाके चिल मारेंगे फार्मर्स पे, इधर ही हमारा चिल निकल गया। शिट यार आज का दिन तो पूरा खराब हो गया, किक भी नहीं चल रही है और स्टार्टर भी नहीं चल रहा है। अरे भाई हार नहीं मानने का कभी भी, तू हार माना हुआ इंसान है तू। उसका 10 जगह से मेंटेनेंस निकल रहा है। थैंक यू भाई। तो अभी गाड़ी का किक का प्रॉब्लम था, उसको भी सॉल्व करके ले रहा हूँ। उसको है ना वेल्डिंग की जरूरत थी, इसका थ्रेडिंग बोर्डिंग पूरा चला गया था, तो उसको वेल्डिंग करा के ले रहा हूँ। वेल्डिंग करा के हो गया तो डन, मतलब अभी गाड़ी अपना एकदम ओके है। गाड़ी अभी बेचने का प्लान कैंसिल, गाड़ी नहीं बेच रहा भाई मैं। हाँ तो लिंबू, अभी लिंबू तो पिया। लिंबू का सिकंजी पिया और यहाँ पे तेरे को लिंबू का जूस नहीं चाहिए। लिंबू का सिकंजी अलग रहता है, इसका हाँ। टेस्ट अलग रहता है गन्ने का। कैसा आदमी है ये भाई, था भाई तू आता हाँ? और किसका अनिरुद्ध का, बस ठीक है चलो। सो हे गाइस, फाइनली जैसे ऐसे तैसे करके हम अभी पहुंच चुके हैं फार्म हाउस पे, जो अपने दोस्त का है अर्जुन का फार्म हाउस का नाम है एसके फार्म हाउस। हुआ ऐसा, हम लोग निकले थे और रास्ते में लिंबू सिकंजी था, रोशन बोला कि यहाँ पे रुकते हैं, लिंबू सिकंजी पीते हैं और आगे जाते हैं। फिर स्कूटी घुमा के आगे आए, स्कूटी पार्क किया और लिंबू सिकंजी पिया। लिख रहे थे स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, स्कूटी बंद पड़ गई। तो अभी क्या करे, वहां पे 15-20 मिनट रुका, उसके बाद है ना एक बंदा है छोटा सा लड़का जो आप अभी एक क्लिप में देखोगे, वो बंदे ने स्टार्ट करने का ट्राई किया लेकिन हुआ नहीं। फिर वो बंदा गया 1 किलोमीटर चलते गया, और चलते जाके फिर वो पाना वाना लाया। उसके बाद जो मेरा किक का जो है ना वो थ्रेड चला गया था, उसके चलते वो स्टार्ट नहीं हो पाया, और उसने बैटरी वैटरी खोला ये सब वो सब, उसने बहुत सारा कुछ किया लेकिन स्कूटी का स्टार्ट हुआ नहीं। फिर वहाँ पे लिंबू सिकंजी पीने के लिए एक बंदा आया था, वो बंदे ने काफ़ी हेल्प किया हमको। वो बंदा स्टार्ट टू एंड, मतलब स्कूटी स्टार्ट होने तक वो बंदा रुका था और टोइन किया, और हम लोग कर्जत लेके आए 2 किलोमीटर दूर। वहाँ पे फिर हमने एक गैरेज वाले को पास लेके जा रहे थे, वो बोला यहाँ पे नहीं, मेरा कोई पहचान का है वहाँ पे चलते। तो हम बोले चलेगा ठीक है, जाते वहाँ पे और रिपेयर करा दे। लेकिन वो बंदा बोला मुझे एक्सेस का काम नहीं आता है करने। तो फिर हम लोग वहाँ से आगे आए कर्जत में, कर्जत में फिर एक बंदे को दिखा है, वो बोलता है कि नहीं होगा, आपको लेके जाना पड़ेगा, टाइम लगेगा, गाड़ी को पूरा खोलना पड़ेगा, ऐसे उसने बोला। फिर उसके बाद है ना हम लोग आगे गए, तो आगे में एक गैरेज दिखा, वहाँ पे हम लोग जा रहे थे नहीं। फिर मैंने बोला कि चलो एक बार ट्राई तो करते हैं, तो उसके पास गया। वो बंदा गेम खेल रहा था, रमी सर्कल जंगली रमी पे आवना महाराज, वो बंदे का इंटरेस्ट था गेम में और वो गाड़ी ठीक से देख नहीं रहा था। मैंने बोला कि भाई कुछ तो कर, ट्राई कर, तो उसने कोशिश किया पर हुआ नहीं। उसका दोस्त आया जो गैरेज में, वो लोग दोनों मिलके संभालते, तो वो बंदे ने ना इंटरेस्ट लिया और वो गाड़ी को ना भाई 15-20 मिनट में ना स्टार्ट करके दिखाया। मोटर वोटर खोला उसने, पूरा गाड़ी खोल दिया और फाइनली गाड़ी स्टार्ट हुआ भाई। और उसके बाद ना मैं पेमेंट कर रहा था, उनसे बात भी हुई, तो वो पूछा कि कहाँ से, मैं बोला रसैनी से, तो रसैनी में कहाँ पे, मैं बोला कि वावे घर, तो बंदा बोला कि वावे घर में हमारे पहचान के रहते चेतन धोत्रे। मैं बोला अरे चेतन धोत्रे वो तो मेरे घर के पीछे ही रहता है, तो बोलता है कि मैं उसका भाई है, तो हमारी फिर पहचान हो जाती है। वो बोलता है कि राकेश धोत्रे, फिर मैं बोला कि हाँ उसका भाई का नाम रवि धोत्रे, तो मेरे घर के पीछे ही ये सारे बंदे रहते हैं और ये उनका भाई था। तो इस तरह का स्टोरी था। तो अभी फाइनली आ चुके हैं फार्म हाउस पे, तो फार्म हाउस पे अभी हम करेंगे शूट और थोड़ा सा पूल में नहाएंगे। तो दोस्तों अभी मैं आपको फार्म हाउस का टूर देता हूँ, तो फार्म हाउस के अंदर जानेंगे, तो अंदर में कितने रूम्स है, कितने बेड्स है और क्या क्या है देखेंगे। चलो
तो गाइज यहाँ पे गेट है, यहीं से हम एंट्री करेंगे। यहाँ पे पार्किंग एरिया है और यहीं से अंदर में जाने के लिए रास्ता है। और यहाँ पे बहुत ही बड़ा लॉन है, वहाँ पे स्विमिंग पूल है, वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे झूला है और वहाँ पे आप देख रहे हो वहाँ पे किचन है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम जाएंगे अंदर में देखेंगे क्या क्या है। तो अभी मैं एंट्री कर रहा हूँ, तो अभी हम जा रहे हैं अंदर। अंदर में ये आप देख रहे हो बड़ा सा हॉल है, काफ़ी बड़ा हॉल है। यहाँ पे दो बेड है, यानी कि चार लोग यहाँ पे सो सकते हैं। सामने टीवी है और सामने कैरम है, यहाँ पे आप खेल सकते हो कैरम। स्पीकर है बहुत ही बड़ा। और यहीं पे एक रूम है जो तीन बेड है, छः लोगों की कैपेसिटी है। और ये रूम में आपको यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे विंडो है, एसी है, हैंड वॉश है यहाँ पे, और यहीं पे आपको टॉयलेट भी है। पे हॉल का टॉयलेट यहाँ पे है, ये रहा टॉयलेट। यहाँ पे भी एक रूम है जो दो बेड है, चार लोगों की कैपेसिटी है। ये रूम में एसी नहीं है, ये रूम में है टॉयलेट सेपरेट, ये रहा। और यहाँ पे भी विंडो है, विंडो ओपन करके देखेंगे, ये रहा व्यू यहाँ से। यहाँ से हम अंदर जाएंगे, ये तीसरा रूम है। यहाँ पे भी तीन बेड है, छः लोगों की कैपेसिटी है, और यहाँ पे भी सेपरेट टॉयलेट है। तो दो फैन है, यहाँ पे भी रूम में एसी है। और यहीं से एक डोर है जो बैक साइड से एग्जिट है। ये रहा आपको सीधा पुल पे जाने के लिए रास्ता। और यहाँ पे हमारे मंगेश भाई क्या लेके जा रहे भाई यहाँ से? चकना लेके जा रहा हूँ। सही है। और यहाँ पे किचन है, जाएंगे पुल पे, पुल भी देखेंगे कितना डीप है। तो अर्जुन ने बताया कि 5 फीट डीप है यहाँ पे। वहाँ पे बच्चे लोगों के लिए है, किड्स के लिए, और यहाँ पे बड़े लोगों के लिए है। काफ़ी बड़ा भी पूल है, आप देख सकते हो गाइज। यहाँ पे चेंजिंग के लिए रूम है जो आप देख सकते हो, ये रहा। यहाँ पे और एक रूम है जो चेंजिंग के लिए है, शॉवर के लिए। और ये रहा सामने अपना पूल जो काफ़ी बड़ा है। तो गाइज अभी आप फार्म हाउस के ऑनर से मिलो, उनसे ही हम फार्म हाउस के बारे में जानेंगे। तो आ जाओ भाई, थोड़े अपने सब्सक्राइबर को बता दो फार्म हाउस का डिटेलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ईशन भाई, आप यहाँ है इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई धन्यवाद। और दोस्तों देखो, मेरा दोस्त है और दोस्त को हेल्प करना बहुत ही जरूरी है। अपना दोस्त कुछ बिजनेस करता है तो उसको हेल्प करना बहुत ही जरूरी है। तो उसी तरह मैं बोला कि मैं जरूर आऊंगा, लेकिन आज एक महीने के बाद मैं आया तो उसके लिए सॉरी। आप आए, यही बड़ी बात है हमारे लिए। ठीक ओके। हाँ, इतना बिजी शेड्यूल में से आप अपना टाइम निकाल गया। वो शूट वगैरह चलता है तो आज मैं फ्री था। और आज भी क्या बताऊं मैं आपको, आपको तो पहले ही पता चल गया होगा, आपकी गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी खराब हो गई थी, इसको तो झूठ लग रहा था। तो क्या बताऊं, वीडियो कॉल करके सब कुछ बताया, आपने दिखाया तो पता चला मुझे। हाँ, तो यकीन हुआ। जी। तो बताओ अपने सब्सक्राइबर को, ये जो फार्म आपने देखा है यहाँ पर, आप अपने फ्रेंड्स के साथ आ सकते हो, अपनी फैमिली फंक्शन, आपको कोई यहाँ पर पार्टी सेलिब्रेट करना है तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो। एग्जैक्टली जो भी मेरा कांटेक्ट डिटेल रहेगा यशवंत भाई, आप डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दोगे? पक्का, वो तो मैं डाल दूंगा। और लोकेशन भी डाल दूंगा, लाइव लोकेशन डाल दूंगा। अर्जुन भाई का नंबर है, कॉन्टेक्ट करो और मेरा नाम लेके डिस्काउंट भी पाओ, मिल जाएगा। डेफिनेटली मिल जाएगा, पक्का। जो भी ये रील्स देके आएगा उसको अपन डायरेक्ट सीधा 10% डिस्काउंट प्रोवाइड कर देंगे, डिस्काउंट दे देंगे आपकी तरफ से। हाँ, और क्या है, पर्सनली मेरे को प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी लगी है, नई प्रॉपर्टी है। जल्द से जल्द विजिट करिए और यहाँ का आनंद लीजिए, इंजॉय करिए फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। आपका ऑफिस का फ्रेंड्स होगा, आपका ग्रुप होगा, कपल्स। कर्जत से मात्र 10 किलोमीटर है, कड़ाव में ये प्रॉपर्टी है। तो भाई विजिट करना जरूर। मेरा इंस्टाग्राम भी आईडी है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, और इंस्टा आईडी है जो डिस्क्रिप्शन में है और सामने आपको दिखाई दे रहा है, एसके फार्म। आप जाके वहाँ पे फॉलो भी करो और वहां से भी आप अर्जुन भाई से जुड़ सकते हो। हेलो भाई, शुक्रिया, थैंक यू सो मच भाई। वेलकम। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो गाइस अभी हम रुके हैं कर्जत फाटे पे छाछ और लस्सी पीने के लिए। एक ग्लास पिया लेकिन मजा आया। तो यहीं पे सामने कर्जत फाटा है और यहीं पे काका की यहाँ पे दुकान है, एक्यूरा लस्सी सेंटर। छाछ आणि लस्सी दोन्ही मिळतं ना? मी आता तुमचा लस्सी आणि छाछ ट्राय केला, अप्रतिम, एकदम भारी आहे गा, खरंच खूप आवडलं। तर किती रुपये ग्लास आहे आपल्याकडे? लस्सी 15 रुपये मला 2000 धंदा आमचा काय बोलताय छान वाटलं मला।
करजत में आप आओगे, करजत फाटा के सामने, तो आप यहाँ पे, हाँ, विट्ठू माउली का वहाँ पे स्टैचू है बहुत ही बड़ा, तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो जरूर यहाँ पे ट्राई करना। यहाँ पे हथगाड़ी है, अभी मैं आया हूँ गाड़ी वॉश कराने के लिए, बहुत ही गंदा हो चुकी थी गाड़ी। उधर उधर चाबी उधर है, हाँ उधर से ओपन करो। अरे उधर से ही, उधर से ही दो, इधर एक मिनट रुको। तो इसलिए बहुत ही ये गंदा हो चुकी थी, और वॉश कराने का था चढ़ रहा था प्लान, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता था। तो आज गाड़ी रिपेयर भी किया और किक का भी प्रॉब्लम सॉल्व करके लिया, और गाड़ी भी वॉश हो जाएगी आज।